रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत नाटो देशों को बड़ी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन की ओर से रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होता है तो ये माना जाएगा कि नाटो इस जंग में सीधे तौर पर रूस के खिलाफ शामिल हो गया है। पुतिन ने कहा है कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल होता है तो रूस की ओर से बहुत करारा जवाब मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो दरअसल यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार मांग कर रहा है कि उसे रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यूक्रेन को अमराम मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अमेरिका और नाटो को सीधा बड़ी चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी देश फैक्ट्स को बस घुमा फिरा कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि कीव को रूसी क्षेत्र पर हमले करने की अनुमति दी जाती है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या नाटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होगा। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पहले से ही रूस पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमला कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों की लंबी दूरी क्षमता वाली हाई पावर वाले हथियारों का उपयोग करना एक बिल्कुल अलग बात होगी। इसके साथ ही पुतिन ने दावा किया है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने में यूक्रेन की सेना सक्षम नहीं है, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए खुफिया जानकारी की जरूरत होती है, जो कि यूक्रेन के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी सैटेलाइट्स ही इस तरह की जानकारी दे सकते हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की मिसाइल से हमला हुआ तो वो इसे नाटो का हमला मानेंगे। पुतिन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सबसे अहम बात यह है कि केवल नाटो के सैन्य कर्मी ही इन मिसाइल सिस्टम का संचालन कर सकते हैं और यूक्रेनी सैनिकों के पास इसके संचालन की क्षमता नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो इससे इस जंग का स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा। आगे ये भी कहा कि स्थिति में हम अपने पास मौजूद विकल्पों के मुताबिक ही जवाब देंगे। आपको बता दें कि हाल ही में जब रूस को ईरान से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के मिलने की खबरें आईं तो माना जाने लगा कि इससे यूक्रेन की मांग को बल मिलेगा, लेकिन पुतिन की इस चेतावनी से साफ हो गया है कि अगर ऐसा होता है तो वो झुकेंगे नहीं बल्कि और आक्रामकता से जवाब देंगे। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।